जिला झांसी के तहसील मोड़ क्षेत्र में शासन द्वारा चलाए जा रहे 3 दिन शराब चेकिंग अभियान में संयुक्त टीम बनाकर शराब की दुकानों की सघन चेकिंग की गई। संयुक्त टीम में उप जिलाधिकारी मोड़ सानिया छाबड़ा, पुलिस क्षेत्र अधिकारी मोड़ डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, जिला आबकारी अधिकारी झांसी प्रमोद कुमार गोयल, मोड़ कोतवाली प्रभारी प्रमोद कुमार समेत पुलिस बल ने शासन द्वारा चलाए जा रहे शराब के विरुद्ध चेकिंग अभियान में शराब की दुकानों की सघन चेकिंग की। जिला आबकारी अधिकारी झांसी प्रमोद कुमार गोयल ने बताया कि शासन की मंशा अनुसार 3 दिन का शराब चेकिंग अभियान चलाया गया है। एक शासन से एक अभियान चलाया गया 3 दिन का, जितने भी हमारे क्षेत्र में दुकानें हैं उन दुकानों की चेकिंग और स्टॉक चेक करना है कि उसमें कोई डाइल्यूशन तो नहीं है, कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है। इस तरह की चेकिंग के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है 3 दिन के लिए। उसमें SDM साहब, डाइल्यूशन तो नहीं है, किसी अन्य प्रदेश की मदरा तो नहीं है, कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, कोई दूसरी दुकान का स्टॉक तो नहीं है, वो सब चीज़ें हमने चेक करनी है। जी CO साहब, SDM साहब और आबकारी विभाग से कोई एक अधिकारी, तीनों की जॉइंट टीम बना के ये अभियान हमने चलाया हुआ है। ये कैसे हो रहा है? नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और पूरे प्रदेश में चल रहा है।